इंस्टेंट पिन्नी की रेसिपी जानना चाहते हैं ईद स्पेशल सीरीज के हवाले से। हर घर में ये रेसिपी बनती है, तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जैम। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही शानदार सी रेसिपी देने जा रही हूँ, जो कि है फिरनी की रेसिपी। कैसे हम इसको झटपट आसानी से बना सकते हैं, सिर्फ दूध और चावल के पाउडर की मदद से। चलते हैं। 3 लीटर दूध लिया है मैंने, बॉयल होने के लिए रख दिया है। 1/2 कप यहाँ पे मैंने चावल लिए, जो आम हम घर में यूज़ करते हैं आप लोग वो चावल ले सकते हैं। अच्छे से उसको वॉश करके मैंने इसको ड्राई कर लिया था, धूप में रख के भी आप इसको ड्राई कर सकते हैं या कपड़े की मदद से अच्छे से आप इसको खुश्क कर लें। इसके बाद मैंने इसको ग्राइंडर में डालकर इसका फाइन पाउडर बना लिया था। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि इस फिरनी के अंदर मैं कोई कंडेंस मिल्क, कोई खोया, कोई बर्फ़ी, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करी। सिर्फ और सिर्फ चावल और फुल फैट मिल्क आपने लेना है, जो कि थोड़ा जो है वो भलाई के साथ होता है, तो वो आपने लेना है। बस इसके साथ आप जो है इजीली ये फिरनी तैयार कर सकते हैं और बहुत ही ठीक बनती है। यहाँ पर जो है वो मैंने चावल का पाउडर जो है इस तरह से बना लिया था। अब हमने इस पाउडर में 1/2 कप दूध शामिल करके इसका पेस्ट बना लेना है, जिसमें आप कस्टर्ड का पेस्ट बनाते हैं पाउडर में दूध ऐड करके। दूध डालने का फ़ायदा ये होता है चावल के पाउडर में कि जब आप इसको दूध में डालेंगे पकाने के लिए, तो ये अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाएगा, एक जगह पे जाके चावल जो है वो जुड़ नहीं जाएंगे चावल का पाउडर। तो पेस्ट बना के ये आप ऐड कीजिए, अच्छे से जो है ये इसमें मिक्स हो जाता है। अब हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक जो है वो चम्मच चलाते रहना है। फ्लेम हमने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना। यहाँ पर 2 से 3 दाने इलायची के भी मैंने डाले थे, आप चाहें तो इलायची पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 1 घंटे में आपकी ये जो है पक के तैयार हो जाती है, कोई इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और आपको कोई एक्स्ट्रा जो है वो चीज़ भी ऐड नहीं करनी पड़ती इसमें। इजी रेसिपी है, बजट फ्रेंडली है, आप लोग इजीली इसको जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप के बराबर चीनी डाल दिया। चीनी आप लोग अपने जो है वो उसके टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से इसको हमने पकने देना है और जब ये ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी तो तब हमने जो है वो फ्लेम को हाई कर देना है। यहाँ पे जो है वो तकरीबन 20 से 25 मिनट तक चावल जो है वो इसमें अच्छे से गल जाते हैं और मज़ीद ही 1/2 घंटा लेके अच्छे से जो है वो गाढ़ी हो जाती है, तो फिर ने हमारी जो है वो जल्दी तैयार हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं ये चम्मच चला के आपको दिखा रही हूँ कि ये जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे मैंने फ्लेम हाई कर दिया था और उसको हाई फ्लेम पर मैंने पकाया था तकरीबन 1/2 घंटे के लिए, ताकि मज़ीद अच्छे से जो है वो गाढ़ी हो जाए। बहुत ही ज़्यादा जायके में लजीज़ और मज़ेदार होती है और मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ और आप लोगों के साथ मैं अपना तरीका शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद पर और अपने मेहमानों से, घर वालों से ज़रूर दाद वसूल करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बबल्स जो है ये कितनी ठीक लग रही है। तो यहाँ पे मैंने जो है फ्लेम ऑफ कर दिया था, मज़ेदार सी हमारी फिरनी जो है रेडी हो चुकी है। इसको मैंने जो है एक बाउल में निकाल लिया था, अभी ये गर्म है और ठंडी होने के बाद ये मज़ीद जो है गाढ़ी हो जाती है, तो बस इस स्टेज पे जो है हमने फ्लेम ऑफ कर देना है। तो लीजिए, मज़ेदार सी ईद स्पेशल रेसिपी मैंने आपको दे दी है, जो कि हर घर में बनती है और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आई है तो मुझे फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा रेसिपी को और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी मज़ेदार सी ईद सीरीज की रेसिपी के साथ मैं आप लोगों से मिलती रहूँगी और मज़ीद आप लोगों के साथ मज़ेदार सी मीठी मीठी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। तो जस्ट करना आपने ये है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, उसके बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना है, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप लोग मेरी कोई भी वीडियो जो है स्किप मत कीजिएगा मज़ेदार सी मीठी मीठी रेसिपीज़ जानने के लिए। जल्दी मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।